हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट, जिसके लिए हम पापड़ी भी घर पर ही बनाएंगे। आप भी शुरू कर दीजिए मेरे साथ पापड़ी चाट बनाना। सबसे पहले हम पापड़ी के लिए डो तैयार करेंगे। हमने यहाँ लिया है 1 कप मैदा, उसका आधा गेहूं का आटा, 1 बड़ी चम्मच सूजी और 30 ग्राम देसी घी। एक चुटकी नमक और अब इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। और मसलने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल टाइट डो हमें बनाना है। देखिए, बिल्कुल टाइट डो हमारा हो गया है रेडी। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के रेस्ट के लिए ढककर रख देंगे। देखिए, 15 मिनट बाद हमारा डो बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब हम आटे से एक पेड़ी तोड़ेंगे और पेड़ी से हमें एक पतली बड़ी रोटी बेलनी है। ऐसे हमको एक रोटी बेलनी है जो हमने बेल दी है। अब हम पूरी रोटी पर फोक से या चाकू से छोटे छोटे छेद करने हैं, जिससे कि हमारी पापड़ियाँ फूले नहीं। ऐसे हमको छेद करने हैं। अब हम इनको किसी भी तेज धार वाली कटोरी या छोटे गिलास से छोटी छोटी हमको पापड़ियाँ काटनी है। देखिए, ऐसे हमने काट लिए और ऐसे ही हमको सारी पापड़ियाँ रेडी करनी है। एक्स्ट्रा आटा हमने निकाल दिया है और देखिए, हो गई हैं हमारी रेडी पापड़ियाँ। अब हम करते हैं इनको तलने की तैयारी। हमें सारी पापड़ियाँ लो फ्लेम पर ही गोल्डन ब्राउन होने तक तलनी है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमें आधा मिनट के लिए सारी पापड़ियों को बाहर निकालना है। और अब हमें कुछ ही देर में ऐसे हिलाकर और फिर डाल देंगे ऑयल में। इससे क्या होता है, इससे क्रिस्पी बनेंगी, जैसे कि हलवाई करते हैं ना, ऐसे ये तरीका है। लीजिए, हो गई है हमारी पापड़ियां रेडी गोल्डन ब्राउन। कितना अच्छा कलर आया है देखिए। आइए, कर लेते हैं अब हम प्लेटिंग। हमने मसाला तैयार किया है चाट के लिए, जिसमें हमने लिया है नमक, लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च ली है हमने, भुना जीरा लिया है हमने पिसा हुआ, काली मिर्च पाउडर लिया है हमने, चाट मसाला लिया है, और जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना ले सकते हैं। हमने आधा आधा चम्मच लिया है। ये मसाला हम पापड़ी चाट पर ऊपर से डालेंगे। हमने लिया है गाढ़ा दही, जिसे हमने आधे घंटे के लिए मलमल के कपड़े में बांध कर टांग दिया था। देखिए, कितना अच्छा हमारा गाढ़ा दही बन गया। और हमने इसमें 4 चम्मच पिसी चीनी मिला दी है। और ये लिए है हमने मीठी चटनी इमली की, जिसको हमने इमली और गुड़ से और स्पाइसेस डालकर तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको अलग से बना के दूंगी। और ये लिए है हमने हरी चटनी, जिसे हमने पुदीने से, धनिए से और हरी मिर्च से तैयार किया है। ये लिए हमने अनार के दाने, उबले आलू, जिसको हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। चलिए, बनाते हैं पापड़ी चाट। अब हम पापड़ियों को प्लेट में सजाएंगे।
एक एक करके हमने पापड़ियां प्लेट में सजा दी हैं। अब हम उसके ऊपर कटे हुए आलू सजाएंगे। देखिए ऐसे हमने आलू डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर खूब सारा दही डालेंगे। अब हम डालेंगे मसाला। अब डालेंगे मीठी चटनी। अब डाल दिए हैं हमने हरी चटनी और ये डाल दिए हैं हमने खूब सारी सेल। ये डाल दिए हमने अनार के दाने। एक बार फिर हम खूब सारा दही डालेंगे। थोड़ा सा मसाला छिड़केंगे। देखिए हो गई है हमारी पापड़ी चाट तैयार। अगर आपको पापड़ी चाट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।